हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल इट्स मी बुशरा खान गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वैसे तो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जैन है लेकिन हम ट्वेंटी एथ जैन ट्वेंटी ट्वेंटी टू का करंट ऑफ सेशन कर रहे हैं इस आसम सेशन में आप सबका बहुत वेलकम है इफ़ यू आर द न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन दिस क्यू सी एल चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट बेला ऑल्सो because uh, if you will do like this you can get new notification new update on daily basis first you have to listen complete session on regular basis with very carefully after that you have to share it whenever you are on uh, any social media platform you are using please share it and uh, for the motivating me for the motivate me you have to प्रेस लाइक बटन ऑल्सो एंड राइट लवली कमेंट्स ऑल्सो ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाल ही में अभी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अपना सत्रहवा स्थापना दिवस सेवेंटीन इस्टेब्लिशमेंट डे कब मनाया है ये मनाया है नाइन्टीन ऑफ जैन को ट्वेंटी का सेशन कर रहे हैं ना नाइनटीन जैन को मनाया है 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी डेज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की और हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और अतुल कनक इसके हेड हैं ये आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी अच्छा ये 19 जनवरी को मनाया अभी बताया था 16 जनवरी को पहला मनाया गया क्या नेशनल स्टार्टअप डे 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 14 जनवरी को क्या मनाया गया था सशस्त्र बल युवृद्ध दिवस है ना याद रखना इसके अलावा जो है बारह जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया था ग्यारह जनवरी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया था टेंथ जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया था नाइन्थ जनवरी को आ, ये माइग्रेटेड इंडियंस है ना माइग्रेटेड इंडियंस डे मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस तो यह माइग्रेशन इंडियन माइग्रेशन इंडियंस डे ठीक है ये कह सकते हैं आप कुछ भी कह लें बहुत सारे नाम ले लो प्रवासी भारतीय दिवस हिंदी में और इसके अलावा छः जनवरी को मनाया गया था विश्व युद्ध अनाथ दिवस चार जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे और फर्स्ट जनवरी को हाँ पाँच जनवरी को भी मनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और चार जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे और फर्स्ट जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे तो है ना तो वर्ल्ड डे फॉर फैमिलीज़ ये भी होता है कह सकते हैं ठीक है थीके? तो याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी डेनिस एल्पो को किस देश ने अपना भारत में राजदूत बनाया है तो रशिया ने देखिए रशिया के जो राजदूत हैं अभी जो रशिया ने इंडिया के अंदर बनाया हमारे देश के अंदर तो हमारे देश भारत के अंदर जो बनाया है डेनिस एल्पो को बनाया है और हम भारत ने किसने किस को बनाया है रशिया में तो डी वी वेंकटेश वर्मा इनका नाम काफ़ी बताती रहती हूँ मैं आपको ये रशिया में बने हैं लेकिन रशिया ने भी डेनिस एल्पो इनको अपना फॉरेन एम्बेसडर बनाया है इंडिया के अंदर माउंट माउंट एल्ब्रस ये यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है यहीं पर है और उरल के पहाड़ भी यहीं हैं लेक वेकल भी यहीं है कहाँ रशिया में तीनों चीज़ें जीरोन मिजाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी इसने किया है ना और जरूकोन मिसाइल का और एलेक्सी ने नेवेले इनको सखा रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपोजिशन लीडर हैं ये ठीक और ड्यूमा यहाँ की संसद है तमाम फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं रूबल करेंसी है और मॉस्को कैपिटल है व्लादिमिर पुतिन प्रेसिडेंट हैं और जो हैं मिकाइल मितिन ये प्राइम मिनिस्टर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है हाल ही में फ़ीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन या फ़ुटबॉल एसोसिएशन फ़ीफा ने अभी स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर या फीफा प्लेयर ऑफ़ द ईयर किसको बनाया है तो ये बने हैं रॉबर्ट रॉबर्ट एंडोस्की एंडलासकी रोब रॉबर्ट एंडलास बने हैं एंडस याद रखिए एंडस की रॉबर्ट रोबर्ट ये अभी बने हैं रॉबर्ट से पहचान लीजिएगा रोबर्ट रॉबर्ट की एंडलास नाम है वैसे इनका मगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है मुझसे तो रॉबर्ट एंडलास या आप एंडकी भी याद रख सकते हैं रॉबर्ट तो भूलना ही नहीं है तो रॉबर्ट एंडास की या एंडलास की है ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भूल मतलब लेने में मुझसे गलती हो गई क्योंकि सर नेम थोड़ा टफ है बहरल के आई है लास्ट में ठीक है और रॉबर्ट फर्स्ट नेम है तो रॉबर्ट एंडस की या एंड की ये अभी फीफा ने प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया है इनको और एक और है मैनवर्ड क्या नाम है इनका एंड एंड हाँ एंड एंडवर्ड एंडवर्ड मेंडी मैंटी एंडवर्ड मेंडी एक मिनट जी हाँ एंडवर्ड मेंडी ये कौन है ये गोल्फ प्लेयर बने हैं तो एंडवर्ड मेंडी ये गोल्फ प्लेयर बने हैं और रॉबर्ट की एंड्रॉस की है नाम सॉरी माफ़ कीजिए ना एल नहीं है रॉबर्ट की रॉबर्ट की इसको इनको बनाया फीफा ने प्लेयर ऑफ द ईयर याद रखना अब आर है भूल गई थी मैं मैं कह रही थी ना वो सुबह पढ़ने के बाद थोड़ा भूल गई थी तो रॉबर्ट एंड्रोज की भी अगर याद रखते तो भी प्रॉब्लम नहीं होती बगर बहरहाल नाम क्या है रॉबर्ट एंड्रॉस की रॉबर्ट एंड्रॉस की आर है और के आई लास्ट में है एंड्रॉस की और ये प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं फीफा के ने बनाया है और एंडवर्ड मढ़ी एंडवर्ड मंडी कौन बने गोल्फ प्लेयर ऑफ़ दी हाँ बस गोल्फ प्लेयर इतना याद रखिए अब फीफा 1904 में इसकी स्थापना हुई जूरिक स्विट्जरलैंड में जियानी जियानी, जियानी ज्यूरिक है। स्विट्जरलैंड में जूरिक जूरिक क्या नाम होता है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है तो ये आप याद रखेंगे ठीक है क्वेश्चन है हाल ही में अगले थल सेना उप प्रमुख यानी वाइस चीफ कौन बने हैं तो अगले थल सेना उप प्रभु उप प्रमुख होंगे कौन अगले थल सेना नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे कौन होंगे मनोज पांडे अब तक जो हैं वो सीपी मोहंती हैं लेकिन अब जो अगले थल सेना उप प्रमुख याद रखना उप कह रही हूँ उप प्रमुख होंगे वो कौन होंगे मनोज पांडे याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर्ड वर्ला को कौन से सम्मानित यानी प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अल्बर्ट वॉर्ला को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो इनको ये जो है वॉर्ला है इनको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में ये इनको जेनेसिस मैं बता रही हूँ जेनेसिस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि हाल ही में जेनेसिस जेनेसिस प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा या जेनेसिस ऑनर या जेनेसिस पुरस्कार कौन सा जेनेसिस पुरस्कार जेनेसिस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अल्बर्ट वॉर्ला को या फिर अल्बर्ट वॉर्ला का नाम दे दिया जाएगा कौन सा अवार्ड मिला इनको जेनेसिस प्रतिष्ठित पुरस्कार अब इनको क्यों मिला है ये फाइज़र इंक के अध्यक्ष हैं वो जो कोविड नाइन्टीन की फाइजर का नाम सुना है ना फाइज़र वैक्सीन बताया मैंने आपको कई बार यूके के बारे में तो स्पुतनिक भी किसकी थी रशिया की थी, थी फाइज़र यूके की थी तो फाइज़र वैक्सीन जो बनी थी फाइज़र के ये अध्यक्ष थे अल्बर्ट वॉर्ला और इन्होंने जितनी भी कोविड नाइन्टीन की जो वैक्सीन बनी है उसमें इन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है अपना अल्बर्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने कि इन्होंने अल्बर्ट वॉर्ला ने क्या नाम है अल्बर्ट वॉर्ला और इन्हीं को भी जेनेसिस अवार्ड जेनेसिस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण देव दत्त नारायण नारायण देव दत्त का निधन हो गया ये कौन थे तो नारायण देव दत्त ये बंगाली कॉमिक्स आर्टिस्ट थे राइटर थे और ये क्या बोलेंगे कैलियोग्राफर यानी चित्रकार थे तो ये चित्रकार थे लेखक थे कॉमिक्स कलाकार थे कौन और बंगाल के थे कौन नारायण देव नारायण देव और इनका भी निधन हो गया याद रखना है आपने क्वेश्चन है हाल ही में बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं तो ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन इसकी स्थापना वैसे 1948 में हुई थी किसकी बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की और बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं नेवल शानवी कौन नेवल शानवी सानवी भी आपको पढ़ने को मिलेगा नेवल सानवी या शानवी दोनों याद रखिए नेवल शानवी ठीक है तो नेवल शानवी सेनवी और सानवी तीनों में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए तो नेवल सेनवी या नेवल शानवी जो है बने हैं नए नए, नए प्रेसिडेंट किसके बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एस एसोसिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस रिटेल्स ने अभी रोबोटिक्स कंपनी एडवर्व में कितने परसेंट हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप ख़रीद ली है तो फिफ्टी फाइव परसेंट एक सौ बत्तीस करोड़ डॉलर में 55 फाइव परसेंट एक करोड़ डॉलर में रिलायंस रिटेल्स ने पार्टनरशिप ख़रीद ली है यानी शेयरिंग ख़रीद ली है किसमें रोबोटिक्स कंपनी एडवर्व में अब रोबोटिक्स कंपनी एडवर्व का 55 प्रतिशत रिलायंस रिटेल के पास है ये आपने याद रखना है ठीक है क्वेश्चन है हाल ही में एयर इंडिया के नए सी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं तो विक्रम देवदत्त विक्रम देवदत्त ये नए अभी सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कौन कौन बने विक्रम देवदत्त किसके एयर इंडिया के अच्छा मैंने आपको बहुत से फॉरेन एम्बेस्टर हाई कमिश्नर चाहे वो कोई भी हो बारवाडाउस -बार में एलबा एस बालाचंद्रन या पी के त्रिपाठी हों के रेलवे के या वी एस पठानिया हों है ना सबके नाम मैंने अपॉइंटमेंट्स बताएं आप सारे अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कीजिए और वो तभी होगा जब आप मेरे रोज़ाना वीडियोज़ सुनेंगे वरना अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है ये बात याद रखना है आप आपने याद रखनी है ये बात ठीक तो विक्रम देवदत्त अभी एयर एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है हाल ही में अभी हाल ही में अभी यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी लॉन्च करने वाला वाली कंपनी कौन बनी है तो यू ऑटो पे फैसिलिटी लॉन्च करने वाली कंपनी बनी है जियो रिलायंस और एन पी सी आई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर घोषणा की है कि अब यू पी आई ऑटो पे फैसिलिटी आपको जियो पर भी मिलेगी ये घोषणा किसकी है एन पी सी आई और रिलायंस की तो ये यू पी आई ऑटो पे फैसिलिटी कहाँ शुरू हुई है ये शुरू हुई है अभी जियो रिलायंस पर क्वेश्चन है श्रम मंत्रालय के अपर सचिव श्रम मंत्रालय ले, लेबर मिनिस्ट्री के अपर सचिव कौन बने हैं तो सुशांक गोयल उन्नीस सौ नब्बे के आई ऑफिसर यानी आई कैडर के ऑफिसर हैं सुशांक गोयल नाइनटीन नाइन्टी के और ये अभी बने हैं अपर सचिव किसके श्रम मंत्रालय के नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की अध्यक्षता किसने संभाली है तो रॉबर्टा मैटूला ने मैटस्यूला भी पढ़ सकते हैं तो रोबर्टा रोबर्टा क्या नाम है रोबर्टा मैटसूला इन्होंने अभी या मैटसूला इन्होंने अभी यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की अध्यक्षता संभाली है स्ट्राजन ये फ्रांस में एक जगह है जहाँ यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट है तो आपको ये बात याद रखनी है ठीक है क्वेश्चन है हाल ही में इनफाइनिटी ब्रिज इनफाइनाइट भी कहते हैं इन्फाइनिटी ब्रिज को अभी यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के लिए कहाँ खोला गया है तो यातायात के लिए इन्फाइनिटी या इंफाइनइट इन्फैनिटी होता है वैसे इन्फाइट या इन्फाइनिटी ब्रिज को खोला गया है दुबई में इंफाइनिटी ब्रिज याद रखना है इन्फाइनइट जो होता है ये एक सिंबल होता है एक और मैथ्स में यूज़ होता है इनफाइनइट फ़ाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनिटी कहते हैं उसे तो इनफाइनिटी उसी के सिंबल के टाइप का ये ब्रिज है इनफाइनिटी ब्रिज इसको दुबई में भी यातायात के लिए खोला गया है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी हाल ही में बोस सुभाष चंद्र बोस की फरवरी में जीवनी कौन लॉन्च करेगा हाल ही में सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी फरवरी में किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी या किसके द्वारा लिखी गई है पूछा जा सकता है तो लेखक है चंद्रचूड़ घोष चंद्रचूड़ घोष ने अभी एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी लिखी है जीवनी लिखी है जो फेब में लॉन्च होगी कब लॉन्च होगी फैव में किसने लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने किसके ऊपर तो ये लिखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी ठीक है इसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी द अनटोल्ड स्टोरी बोस ऑफ अ नेशनलिस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बोस अ नेशनलिस्ट तो नेशनलिस्ट याद रखिए बोस का नाम बोस का नाम आएगा समझ ही जाएंगे द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बोस ऑफ अ नेशनलिस्ट जो इन द अनटोल्ड स्टोरी बोस ऑफ नेशनलिस्ट ये ऐसे बस आप सिर्फ इतना याद रखिए द अनटोल्ड स्टोरी बोस तीन वर्ड याद रखना है द अनटोल्ड स्टोरी बोस और कुछ याद रखें तो नेशनलिस्ट याद रख लीजिए लास्ट में ये चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है और सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है और फरवरी में लॉन्च होगी याद रखना ये बात बुक से एक क्वेश्चन आना ही आना है ये प्राइड प्रज पं, पंडित्री ये किसने लिखी थी ये डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी थी मॉडर्न इंडिया किसने लिखी थी अभी एक बताया था इंडोमीटबल इंडोमीटेबिल किसने लिखी थी अरुंधति रॉय ने लिखी थी, थी। है ना तो इसी तरह मैंने बेशुमार बुक्स बताई हैं आपको इनसे एक क्वेश्चन आना ही है आप रिवाइज कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी निवेशक शिक्षा के लिए किसने एक सारथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है क्या कह रही हूँ हाल ही में निवेशक शिक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स एजुकेशन के लिए किसने सारथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो सेबी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अभी निवेशक शिक्षा के लिए इन्वेस्टर्स एजुकेशन के लिए या एजुकेशन फॉर इन्वेस्टर्स के लिए अभी लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप क्या नाम है इसका सारथी अब सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई 1992 में हुई मुंबई में हेड क्वार्टर है और अजय त्यागी इसके हेड है कौन है अजय त्यागी याद रखिएगा कैसा लग रहा है आपको सेशन और ये तो मैंने आपको बताया था कि ऊटो के लिए पहला होटल कहाँ बना है सऊदी अरब में इन्फेनिटी ब्रिज को यातायात के लिए कहाँ खोला है दुबई में तो ये था जी आज का सेशन लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करें टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज बाय थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय